आप सभी का स्वागत है इंस्पायरिंग ब्रेन्स में। मेरा नाम है वरुण भारद्वाज। आज वन प्लस फाइव लॉन्च हुआ है। आज हम जानेंगे वन प्लस फाइव ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया, क्या आपको वन प्लस फाइव लेना चाहिए। तो फिर चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। वन प्लस फाइव 5.5 इंच की टच स्क्रीन के साथ आता है, जो कि ऑप्टिक एमोलेड टच स्क्रीन है। बात करी जाए फोन के रेजोल्यूशन की, तो ये फुल एचडी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको सामने ही दिया गया है। ये यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, जो कि डैश चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस पे 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। ये फोन स्नैपड्रैगन 835 के साथ आता है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये बेस्ड है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, इसलिए ये पावर एफिशिएंट है। ये सेम प्रोसेसर सैमसंग ने अपने S8, S8 प्लस में भी यूज किया था। बात करी जाए कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा और पीछे मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का सेंसर विद ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। यह आपको लुक्स में बिल्कुल iPhone 7 प्लस की याद दिला देगा। ये सपोर्ट करता है 4K रिकॉर्डिंग तक की वीडियो को। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसमें 3300 mAh दी गई है। OnePlus 5 ये दावा करता है ये 20% मोर पावर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू OnePlus 3T। ये आपको दो कलर में मिलेगा, मिडनाइट ब्लैक और स्लेट ग्रे। जो मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट है उसमें स्टोरेज आपको मिलेगी 128 GB और इसमें 8 GB रैम होगी। जो स्लेट ग्रे है उसमें आपको स्टोरेज मिलेगी 64 GB और इसमें 6 GB रैम होगी। दोनों के दोनों वेरिएंट में आपको SD कार्ड नहीं मिलेगा। बात करी जाए OS की, तो ये आपको एंड्रॉयड नॉगेट के साथ मिलेगा। जो कि आपको मिलेगा वो होगा 7.1.1 और ये मिलेगा आपको ऑक्सीजन OS के साथ, जो कि आपको लगभग सेम स्टॉक एंड्रॉयड जैसा इंटरफेस देगा। सेल शुरू हो चुकी है Amazon पे। अगर आपको मिडनाइट ब्लैक चाहिए तो वो आपको पड़ेगा 38,000 का और अगर आपको स्लेट ग्रे चाहिए तो वो आपको पड़ेगा 33,000 का। नेक्स्ट डे से हमें एक खबर मिली थी कि वन प्लस ने अपने बेंचमार्क्स में छेड़छाड़ करी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वन प्लस फाइव अभी मत ले, आप पहले रिव्यू की वेट करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन को दबाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।